गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 11th. स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है वेक्टर्स. आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमने फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज को अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी वो क्वांटिटी जिनको नापा जा सकता है, जिनको मेजर किया जा सकता है, वो क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, वर्क, ये सब की सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है. ये सब की सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको अच्छी तरह समझने के लिए हमने इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. आप पढ़ लें, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड ओनली होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. मैं लिख देता हूं, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. जबकि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल, मास, डिस्टेंस, टेम्परेचर, वर्क, पावर, प्रेशर, ये सब की सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. क्यों, क्योंकि इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड. जबकि वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट. इसके एग्जांपल्स क्या है,
displacement, weight, force, momentum, टॉर्क, ये सब के सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल है. वेलोसिटी, ये सब के सब क्या है? एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के. और इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. अब स्टूडेंट्स, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनका सिंबल क्या होता है वेक्टर का? आइए, सिंबल ऑफ वेक्टर में ये हेड होता है और ये टेल होती है. यानी किसी वेक्टर क्वांटिटी को तीर के निशान यानी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है. अगर मेरे पास ए है तो ए क्या है? सिंपल मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड. और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी. ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी ए है मैग्नीट्यूड ओनली. और अगर मैंने लिख दिया वेक्टर ए, वेक्टर ए, तो इसका मतलब हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारे पास क्या है? सिंबल ऑफ वेक्टर. स्टूडेंट्स, वेक्टर को समझने के लिए यानी वेक्टर के पास क्या होता है? अगर वेक्टर को समझना है तो वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है. अब जैसे, तो इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आइए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. सबसे पहले है यूनिट वेक्टर. स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन whose magnitude is unity. अब जैसे A है, तो A के ऊपर कैप लगा दी. यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से. और यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर A अपॉन मॉडुलस. ये क्या है हमारे पास? इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, यूनिट वेक्टर थ्री टाइप्स के होते हैं. यूनिट वेक्टर कौन कौन से? ये लीजिए, आई, जे, के. और ये कैप से रिप्रेजेंट कर दिया. आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, और के रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को. यानी यूनिट वेक्टर थ्री टाइप्स के होते हैं, आई, जे, के. आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, K
के रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये हमारा फॉर्मूला है। और आईजे के हमारे पास क्या है, ये लीजिए, अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये आई रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, जे रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को और के रिप्रेजेंट करेगा जेड एक्सिस को। मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स कि वेक्टर यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। और स्टूडेंट्स, आई का मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर आई क्या होगा, वन। मॉडुलस का मतलब ये मॉडुलस का निशान है वन, यानी मॉडुलस और मैग्नीट्यूड एक ही बात है। मॉडुलस ऑफ के, स्टूडेंट्स वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स को, हमारी फिजिक्स को समझने में, पढ़ने में फिजिक्स को इजी बना देता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना हमने। तो स्टूडेंट्स, ये सब आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। आइए क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i + 4j, determine यूनिट वेक्टर ऑफ ए। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया, we know that यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन ए। तो वेक्टर ए क्या होगा हमारे पास, गिवन है 3i + 4j, गिवन है 3i + 4j। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, मैं बता दूं, कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, यह आ गया 9 + 16 = 25, यानी 5। तो इसमें जब मैं वैल्यू रखता हूं वेक्टर ए की और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की, तो यूनिट वेक्टर ए आ गया 3i + 4j डिवाइडेड बाय 5, मेरे पास ये आ गया यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, क्या ये लीजिए, हमारे पास वेक्टर ए इज इक्वल टू है 4i - 3j + k, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर ए। ये क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i - 3j + k, डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो स्टूडेंट्स, वी नो दैट यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब वेक्टर ए गिवन है 4i - 3j + k, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए गिवन है क्या होगा, i के साथ क्या है 4 का स्क्वायर, j के साथ क्या है -3 का स्क्वायर, k के साथ क्या है 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास 16 + 9 + 1, ये कितना आ गया 26। तो यूनिट वेक्टर ए क्या होगा, 4i - 3j + k डिवाइडेड बाय √26।
तो स्टूडेंट्स आई जे और के, आई जे और के ये सब क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर। ये सब क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? आई जे के क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को। दूसरा है इक्वल वेक्टर्स। दूसरा हमारे पास क्या है? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ये लीजिए इक्वल वेक्टर, ये लीजिए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है आप देख लें, सेम है एंड सेम इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी ये दो वेक्टर इक्वल हैं अगर इनकी डायरेक्शन भी सेम है। देख लो डायरेक्शन सेम है। अगर मेरे पास ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट है आप देख लें और इसकी डायरेक्शन भी क्या है? ईस्ट। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये इक्वल तब होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर तीसरा पार्ट है हमारे पास, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टू वेक्टर्स हमारे पास हैं, ये लीजिए एक वेक्टर ये रहा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं नेगेटिव वेक्टर। ये लीजिए वेक्टर ए, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, ये लीजिए नेगेटिव वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट। अगर ये ईस्ट है तो ये कहां है? वेस्ट है। यानी बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए बट डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, बट डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए, यानी नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी इनका मैग्नीट्यूड क्या है? इनका मैग्नीट्यूड सेम, इनका सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। इसकी डायरेक्शन यहां है तो इसकी डायरेक्शन यहां है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेलोसिटी वेक्टर कोई बोल वी वेलोसिटी से इस दीवार से कोलाइड करती है और टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से वापस चली गई तो ये क्या होगा? सेम वेलोसिटी से वापस चली गई तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर वी, यानी नेगेटिव। ये जा रही है तो वेक्टर वी, वापस आ रही है माइनस वेक्टर वी। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, यहां पर उसकी वेलोसिटी वी है, वेक्टर वी वेलोसिटी है, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? माइनस ऑफ वेक्टर वी, माइनस ऑफ वेक्टर वी, यानी
यहां पर डायरेक्शन पलट रही है तो हमने क्या लगा दिया यहां पर माइनस। क्लियर हो गया नेगेटिव वेक्टर, यानी नेगेटिव वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, द वेक्टर्स आर सेट टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। यानी ये लीजिए, ये कोई पॉइंट है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है? कॉमन है। दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट, दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या है? कॉमन है। तो इसलिए वेक्टर ए एंड बी आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। तीन भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही। ये लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैव इनिशियल पॉइंट, हैव इनिशियल पॉइंट कॉमन, इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को क्या कह सकते हैं हम? को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। मान लीजिए एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स वर्क कर रही है F1 एंड F2, तो ये फोर्स F1 और F2 को क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स, दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पैरेलल वेक्टर्स और दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, बोथ है सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर, यानी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होती है? डायरेक्शन सेम होती है, दूसरा इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, तीसरा एंगल बिटवीन देम। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल बिटवीन देम क्या होता है? जीरो डिग्री। और कोलिनियर वेक्टर्स का ही ये टाइप है। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? दोज वेक्टर्स विच आर इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, विच आर इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन में ही वर्क कर रहे हैं। लेकिन एंटी पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल वेक्टर्स में तो क्या होता है? डायरेक्शन सेम, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, और उनके बीच में एंगल कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। लेकिन एंटी पैरेलल में ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, एंटी पैरेलल में ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इधर इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख लें, ये लीजिए, यानी
एंटी पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, दूसरा इक्वल और अनइक्वल, मैग्नीट्यूड और तीसरा एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, क्योंकि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, यानी एक इधर है और एक इधर है, कितना है 180 डिग्री। यानी अगर इसकी टेल और इसकी टेल को मैं मिला दूं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। यानी पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन इसमें सेम होती है, इसमें डायरेक्शन अपोजिट होती है, इनके बीच में एंगल क्या होता है 0 डिग्री और इनके बीच में एंगल क्या होता है 180 डिग्री। स्टूडेंट्स मैं एक चीज और बता दूं, पैरेलल वेक्टर्स ये भी हो सकते हैं सेम लाइन में, ये भी पैरेलल वेक्टर्स, ये भी सेम लाइन में, वेक्टर ए भी इधर है, वेक्टर बी भी इधर है, ये भी पैरेलल वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री और इनके बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपने याद रखना है, पैरेलल वेक्टर्स में 0 डिग्री का एंगल होता है और एंटी पैरेलल्स में 180 डिग्री का एंगल होता है। स्टूडेंट्स क्लियर है? कोलिनियर वेक्टर्स दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का मतलब या तो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे यस, या फिर ऐसे यस, सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी या तो दोनों ऐसे वर्क कर रहे हैं, देखो, और या दोनों ऐसे वर्क कर रहे हैं, ये तो पैरेलल हो गए, लेकिन ये क्या हो गए एंटी पैरेलल, ये क्या हो गए एंटी पैरेलल। मेरी बात समझ गए? यानी पैरेलल टू ईच अदर है या अलोंग द सेम लाइन, पैरेलल टू ईच अदर है या अलोंग द सेम लाइन, बट यहां पर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स कोलिनियर वेक्टर्स के बाद हमारे पास है, आइए, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? एक्टिंग इन सेम प्लेन। तो स्टूडेंट्स एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। हमेशा ध्यान रखो, एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, ये मेरे पास ये एक प्लेन है, तो ये दो वेक्टर आप देख लें सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे हैं और चाहे इस तरीके से, एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं तीसरा वेक्टर ले लूं, अब ये सेम प्लेन में नहीं है, ये तो सेम प्लेन है, ये क्या है इस टाइम स्टूडेंट्स, ये तो सेम प्लेन है, यहां पर तीनों वेक्टर क्या है, सेम प्लेन में है, लेकिन अब ये सेम प्लेन में नहीं है, ये एक्स एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। तो ये इस टाइम ये क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि ये दो तीनों के तीनों सेम प्लेन में नहीं है, लेकिन ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कोप्लेनर वेक्टर्स, क्योंकि तीनों के तीनों वेक्टर सेम प्लेन में। तो इसका मतलब दो वेक्टर तो हमेशा, एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, लेकिन अगर थ्री वेक्टर्स हैं तो मे और मे नॉट
may or may not lie in same plane. So same plane में कौन से हुए? Same plane में ये लीजिए, same plane में क्या हो गया? ये हो गया same plane, ये same plane हो गया, ये plane, clear है? ये एक square plate है, ठीक है, square, square plate, और तीन vector, vector A, vector B और vector C, सेम प्लेन में, तीन वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर, लेकिन नॉट इन सेम प्लेन, नॉट इन सेम प्लेन, थ्री वेक्टर्स, किसकी बात कर रहा हूं? थ्री वेक्टर्स की बात कर रहा हूं। वो कब? ये लें, आप देख लें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। आप देख लें, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ये नॉन कोप्लेनर, ये क्या है? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। और ये क्या है? सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो कोप्लेनर, ये क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। मेरी बात समझ गए? तो इस तरह से स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कोप्लेनर वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम प्लेन, एक्टिंग इन सेम प्लेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कि वेक्टर्स को पढ़ने के लिए हमारी बहुत हेल्प करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट है जिनको हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये सब मेरा वीडियो ध्यान से देखें, इसको पढ़ें और साथ साथ बुक से भी ये डेफिनेशंस आप देखें क्या लिखी है, नोटबुक में लिख लें। अगले वीडियो में और अच्छा और कंसेप्ट के साथ हम एक बार दोबारा मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।